हम क्या चाहते जम्मू से, हम क्या चाहते काला दिन, आज का दिन काला दिन, जम्मू क्या चाहता अपनी स्टेट, जम्मू क्या चाहे अपनी स्टेट, जम्मू क्या चाहे चाहे अपनी स्टेट, आज का दिन काला दिन, जम्मू क्या चाहे अपनी स्टेट, आज का दिन काला दिन, आज का दिन, आज का दिन काला दिन। तो उसमें जम्मू संभाग की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रखी, जम्मू संभाग से उन कठपुतलियों को बुलाया गया जिन कठपुतलियों के खिलाफ ही जम्मू वालों का रोष है। प्राइमरीली जो गुप्कार गैंग है जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मदद लेके जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के प्रॉक्सीज बनके देशद्रोह का काम कर रहा था, उनको न्योता दिया गया उनसे बातचीत करके अगला फ्यूचर बनाने का काम भारत की राजसत्ता कर रही है। ये बहुत काले दिवस के रूप में मना रहे हैं 370 और 35 ए की एप्रोकेशन के बाद। सरकार का बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है, सरकार का बहुत बड़ा रिवर्सल है। ये पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है राष्ट्रवादी समाज की पीठ में। आपने ये देखा कि अलगाववादियों को, हाफ सेपरेटिस्ट को, प्रो सेपरेटिस्ट को, पाकिस्तानी फ्लैंक्स को, उनको जिनके कारण जम्मू कश्मीर में समस्या है, चर्चा के लिए केवल उन्हें ही जगह दी गई। जब चर्चा के लिए उन्हें जगह दी जाएगी तो अंतोगत्वा सत्ता देने का काम भी उन्हें ही दिया जाएगा, किया जाएगा। जम्मू संभाग का 70 साल से यही रोना रहा कि केंद्र की सरकार कश्मीरी इस्लामिस्ट एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, ठेका करके जम्मू को होस्टेज रख देती है, जम्मू को गुलाम रख देती है, एनस्लेव कर देती है, एक उपनिवेश मात्र के रूप में रख देती है। इस इशू को आगे ले जाने के लिए, इस इशू को 370 और 35 की एप्रोकेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए ये अनिवार्य था कि ऐसी सभी पार्टियों को ध्वस्त करें। इन मरे हुए सांपों को फिर से जिंदा करने का काम भारत की राजसत्ता ने आज किया है। जम्मू की अनफॉर्चुनेटली अगेन कोई जगह नहीं है। आज के दिवस को हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं।